पहले 2 साल तो ऐसे निकल के पता नहीं चला, ऑफ कैंपस ही था, क्योंकि डेवऑप्स की कंपनीज आज भी शायद मेरे को लगता कम आती है, उस टाइम से बिल्कुल भी नहीं आती थी राइट। ऐसा ही मतलब अभी काफी बूम पे अभी आया है। एक छोटा सा रोड मैप की ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। क्यूबरनेटीज एज ए होल अगर आपको आता है, यू हैव एन एक्स्ट्रा एज। आता भी था, टेक्निकल राउंड निकल भी गए थे, 3 राउंड तो एक्चुअली मैंने एच आर जो लास्ट राउंड होते हैं उसी में मैं सब कर दिया। मतलब काफी सही सी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो आप देखते हो, मतलब इतना फैट पैकेज वाली वो सब कॉल्स आ रही थी। और मैं ये नहीं बोला कि कोडिंग नहीं करनी है भाई, कोडिंग भी चाहिए। आई थिंक अभी यू रियलाइज इट आफ्टर सम टाइम कि भाई कोडिंग बहुत जरूरी है। जब आपके पास एक बेसिक है कि कैसे चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बाद में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी तो आती जाती रहती है राइट। हाय गाइस, आई एम शांत, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हमारे साथ हैं आशीष। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट करी थी फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम 3.5 LPA। एंड अभी करंट उन्होंने काफ़ी सारे जॉब ऑफर्स निकाले थे, 5-6 जॉब ऑफर्स, एंड सब कुछ डेवॉप्स SRE में थे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइक डेवॉप्स SRE होता गया, अगर तुम्हें अपना करियर उसमें स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट कर सकते हो, उनकी पूरी जर्नी, उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी थी, कैसे करी थी, क्या पढ़ा था, वो सब जानेंगे आज वाली वीडियो में। तो पहले एक आशीष का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हाय हैं। एवरीवन, माय नेम इज़ आशीष शर्मा एंड आई एम फ्रॉम पठानकोट पंजाब। मैंने CSE 2020 में कंप्लीट करी थी अपनी फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और आई थिंक फ्रॉम द डे इटसेल्फ, मतलब स्टार्टिंग से ही आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू डेवऑप्स एंड SRE फील्ड। स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग विद क्लाउड एंड इवेंचुअली द डोर्स ओपन्ड अप एंड आई एम प्रीटी मच एंजॉयिंग द एवरी डे। तो काफ़ी सही है अभी तक तो। थैंक यू। काफ़ी सही, काफ़ी सही। तो यार अपना थोड़ा कॉलेज का एक्सपीरियंस बताओ कि लाइक कॉलेज में आपने कब डेवॉप्स से SRE क्लाउड वगैरह कब पढ़ना स्टार्ट किया, कैसे सारी चीज़ें स्टार्ट हुई? तो मतलब कॉलेज में पहले 2 साल तो ऐसे निकल के पता नहीं चला, मतलब नेचुरली। तो जब थोड़ा होश आया तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द थिंग्स। तो नेटवर्किंग, OS, ये सब तो सब कर रहे थे, डेवलपमेंट भी ऑब्वियसली कर रहे थे। तो DSA ऑब्वियसली, मतलब अभी आई एक्नोलेज इट, इट वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि आई कुड क्रैक मतलब फैंग या कोई काफ़ी प्रोडक्ट बेस्ड अच्छी कंपनी। तो मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट, मतलब स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग क्लाउड। तो AWS से स्टार्ट कर रहा था, तो प्री क्रेडिट्स मिलते थे राइट। तो यू मतलब आप अच्छे से उसको एक्सप्लोर कर सकते थे, अपना सारा क्रेडिट्स कंप्लीट करो एंड देन यू डिलीट योर अकाउंट एंड क्रिएट अ न्यू अकाउंट अगेन। तो वैसे करके इट ऑल स्टार्टेड। तो इवेंचुअली द डोर्स ओपन्ड अप, तो मतलब क्लाउड से पता चला कि हाँ, क्लाउड में अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं राइट। तो मतलब तुम्हारा CI/CD का अलग है वो सब। तो जब वे CI/CD एक्सप्लोर करने लगा तो उसके अलग टूल भी मिले, ओपन सोर्स, जेंकिंस टाइप का, CI/CD, ये सब। तो मतलब उस टाइम पे क्लाउड करने से ही आई थिंक आई गॉट एन इंटर्नशिप। मतलब क्लाउड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था उस टाइम पे, बिकॉज मोस्टली उसी पे काम करा था। तो एवेंचुअली गॉट एन इंटर्नशिप, ऑफ कैंपस ही था, क्योंकि डेवॉप्स की कंपनीज आज भी शायद मेरे को लगता कम आती है, उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं आती थी राइट। राइट और राइट राइट Tier 3 में तो बिल्कुल भी नहीं आती हैं राइट। तो फिर मतलब मेरे को जाना इसी में था, क्योंकि मतलब इवेंचुअली स्किल सेट भी वही था और इंटरेस्ट भी उसमें हो गया था राइट। तो फिर वो अप्लाई किया ऑफ कैंपस, तो पुणे में एक SaaS बेस्ड प्रोडक्ट कंपनी है, वहाँ पे हो गया था। तो उसमें किया इंटर्नशिप, स्टार्टेड विद इंटर्नशिप एंड उसके बाद में स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। तो मतलब सिंस यू हैड एन इंटरेस्ट राइट, तो आप चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हो राइट। और उसके बाद में वो लर्निंग पाथ चलता रहता है, थोड़ा बहुत इंप्लीमेंटेशन करते हो आप, अच्छे प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं राइट। तो मतलब उस टाइम पे बस यही था, मतलब ऐसे ही स्टार्ट हुआ सब ओके राइट। तो लाइक कॉलेज में ऐसी कौन सी चीज़ें पढ़ी थी जिससे लाइक आपको क्लाउड रिलेटेड या फिर SRE रिलेटेड, जो डेवॉप्स से रिलेटेड आपको इंटर्नशिप मिली थी? तो उस टाइम पे मैंने AWS पढ़ा था, थोड़ा बहुत GC भी आता था मेरे को, बट AWS काफ़ी स्ट्रांग था उस टाइम पे। तो AWS की मेजर सर्विसेज जो भी आपका कंप्यूटिंग, मतलब कंप्यूटिंग जनरल, हम सेइंग कि EC2 है आपका, S3 स्टोरेज। तो मतलब लेट्स से कि आपको कोई 3 टायर वेब एप्लीकेशन बनाना राइट, तो उसमें जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको एक RDS चाहिए, आपको डेटाबेस चाहिए, आपको EC2 चाहिए होस्ट करने के लिए, स्टोरेज के लिए कुछ चाहिए राइट। तो वो सब बनाने के लिए जो मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो तो कंप्लीट कर दिया था। तो फिर उसके बाद में सिक्योरिटी पे जम किया, तो IAM आ गया आपका, गार्ड ड्यूटी आ गया, ये सब जो भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं AWS में। तो ऐसा था कि मतलब एक चीज़ पर स्टिक नहीं करा, बिकॉज CI/CD अगर चाहिए तो क्या यूज़ कर सकते हैं, AWS कोड पाइपलाइन यूज़ कर सकते हैं राइट। और AWS कोड पाइपलाइन के अल्टरनेटिव फिर आ जाते हैं राइट। तो वो सब यूज़ कर लिया था कि अगर कोई कुछ बोलेगा कि आपको प्रोडक्शन में कुछ शिप करना है राइट, तो आप कैसे करोगे, तो वो CI/CD है अपने पास कि CI/CD कर सकते हैं यूज़, या गिट कमिट से आप मतलब गिट में कुछ कमिट करो और वो पाइपलाइन चलेगा ऑटोमेटिकली और ये सब होगा, तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो मतलब AWS था और थोड़ा बहुत जेंकिन ज़्यादा था उस टाइम पे, और बाकी CS फंडामेंटल्स तो है ही हैं, क्योंकि आप इंफ्रा में हो तो आपको वो तो चाहिए चाहिए राइट। तो OS, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, थोड़ा बहुत जो भी आपको चाहिए वो बेसिक तो आना ही चाहिए राइट। तो यही था। गॉट इट गॉट। तो आशीष वाज लकी इनफ टू गेट अ जॉब ऑफ कैंपस, बट ऑफ कैंपस जॉब ढूंढना इजी नहीं होता। स्टूडेंट हजारों रुपए कोर्सेज पे खर्च कर देते हैं, बट जो उनके स्किल सेट होते हैं वो इंडस्ट्री लेवल नहीं होते, और ना ही इनको कंपनीज मिलते हैं इंटरव्यूज के लिए। इसलिए मैं आपको नॉलेज हट के बारे में बताना चाहता हूँ, विच इज एन ग्लोबल एडटेक कंपनी जो आपको अपस्किल करने में हेल्प करेगी एंड विच विल हेल्प यू गेट अ जॉब इन योर ड्रीम कंपनी।
कंपनी। मैं आपको इनकी फुल स्टैक डेवलपमेंट बूट कैंप के बारे में बताना चाहता हूँ, जो है 100% जॉब गारंटी प्रोग्राम। यहाँ यू गेट एवरेज प्लेसमेंट ऑफ 12 LPI एंड यहाँ पे बेस्ट इन क्लास लाइव ट्रेनिंग होती है। इफ यू आर जीरो इन टेक तो तुम्हें वहां से लेकर एक फुल स्टैक डेवलपर की एक अच्छी कंपनी में जॉब दिलवाने में पूरी हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पे हैंड्स ऑन असाइनमेंट्स करवाए जाते हैं, तुम्हारे रेज्यूमे के लिए स्टेलर प्रोजेक्ट्स भी बनवाए जाते हैं, विद विच यू कैन अप्लाई टू अमेजिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। काफी सारे हैकाथॉन्स, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स एंड तुम्हारे लाइव क्लाउड लैब्स भी होते हैं। एंड यू गेट 1-to-1 सेशंस विद मैंग एक्सपर्ट्स। दे हैव एन आउटकम बेस्ड इमर्सिव लर्निंग अप्रोच विद इंटरव्यू प्रेप सपोर्ट हेल्पिंग यू बिल्ड अ जॉब रेडी पोर्टफोलियो। इवन इफ यू आर फ्रॉम आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड यू कैन स्टिल अप्लाई इन दिस बूट कैंप। और इनके पेमेंट ऑप्शंस भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, यू कैन पे आफ्टर गेटिंग अ ड्रीम जॉब एंड देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल वेयर यू कैन पे मंथली और अपफ्रंट। यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एक चीज होता है जब हम चीजें बुकिश लैंग्वेज में पढ़ रहे होते हैं, फिर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देख रहे होते हैं, और दूसरी चीज होती है जब इंटर्नशिप में उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करते हैं। तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस बताओगे कि डेवॉप्स वाली चीजें जो आपने पढ़ी वर्सेस आपने वहां पर इंटर्नशिप में सब कुछ अप्लाई किया, तो कुछ डिफरेंस लगा? क्योंकि मतलब जब आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाते हो तो आप कुछ लिमिटेड नहीं रह सकते रिसोर्सेज का, राइट? आपको अडेप्ट करना ही पड़ेगा उस हिसाब से। बट आई थिंक जब आपके पास एक बेसिक है कि कैसे चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बाद में टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज तो आती जाती रहती हैं, राइट? बट अगर वो थोड़ा लर्निंग कर्व में आपका है कि आप मतलब चीज़ें सीख सकते हो जल्दी, आप अडेप्ट कर सकते हो, क्योंकि पैरेलली आपको दोनों को चलाना पड़ेगा ड्यूरिंग इंटर्नशिप स्पेशली, तो आपको सीखना भी है और आपको इंप्लीमेंटेशन करके भी दिखाना, जो भी टास्क हैं आपके वो भी कंप्लीट करने हैं, राइट? तो मतलब जब गया था इट वाज ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग, काफ़ी ज़्यादा था, बट मतलब हाँ ये था कि अगर कुछ आएगा तो कर लूँगा, बिकॉज मतलब वो भी खुद ही करा था डेवॉप्स कैसे स्टार्ट करना या क्लाउड कैसे कॉलेज में करना, क्योंकि कुछ इतना गाइडेंस था नहीं, राइट? बट वहाँ पर जाके जैसे चीज़ें एक्सप्लोर करी तो मेरे को लगता है मोस्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि वहाँ पर इंटरेस्ट था मेरा, राइट? तो इंटरेस्ट की वजह से मेरे को ऐसा लगा नहीं कुछ कि कुछ डिफिकल्ट है या क्या है, मतलब लर्निंग के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड था कि सीखना है सीखना कुछ भी करके। तो ऑफिस से पहले या ऑफिस के बाद में थोड़ा टाइम दिया खुद को पढ़ने के लिए और उसके बाद में वो सब, बट हाँ वो थोड़ा ओवरवेलमिंग था कुछ महीने के लिए, बट एवेंचुअली मतलब थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस, तो सबसे ही होगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है आशीष, मेरे को एक सबको क्वेश्चन होता है कि लाइक डेवॉप्स ऐसा एक्चुअली है क्या, मतलब क्या काम कर रहे होते हो आप? ठीक है, तो मतलब डेवलपमेंट में तो ये है कि आपको कोड सही से लिखना है, DSL को या जो भी कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, एल्गोरिथम, ये सब। बट इवेंचुअली आपने जब कोड लिख दिया तो वो प्रोडक्शन में भी जाना चाहिए, उसकी ऑब्जर्वेबिलिटी भी होनी चाहिए टीम को जिसने बनाया है कि कैसा चल रहा है सब, रिस्पॉन्स टाइम, ये सब वो सब। तो मतलब जब आपने कर दिया तो डेवॉप्स इज एक्चुअली अ ब्रिज बिटवीन योर डेवलपमेंट एंड योर ऑपरेशंस, हाउ योर बिजनेस रन्स, राइट? ओके, तो वो सब ब्रिज को एक मतलब बनाने के लिए डेवॉप्स इज व्हाट कम्स इनटू पिक्चर। सो इट्स डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस, मतलब लेस इनटू डेवलपमेंट मोर इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट ऑफ थिंग्स। सो मेरे को लगता है कि डेवॉप्स इज मोर ऑफ अ प्लेटफॉर्म और इंफ्रा इंजीनियर। इट्स एक्चुअली यू बिल्ड एंड इनेबल पीपल, राइट? तो आप कुछ चीज़ें बनाते हो, देन यू हैव टू लीव समथिंग बिहाइंड कि आप हाँ अब यू कैन यूज दिस टूल, यू कैन यूज दिस सॉर्ट ऑफ थिंग एंड वी आर जंपिंग ऑन टू सम नेक्स्ट टास्क। तो वो सब आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है डेवॉप्स का। तो अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट जो भी आप ऑब्जर्वेबिलिटी आएगा, आपकी लॉगिंग आएगी, राइट? फिर आपका इंफ्रा एट स्केल आएगा, सिक्योरिटी, एवरीथिंग। तो मतलब लेयर बाय लेयर आपको बिल्ड करना है, एक बेयर मिनिमम आपको एक टाइम पे बना के देना है कि हाँ ठीक है मेरा बिजनेस चल रहा है, बट उसके बाद में कुछ चीज़ें आपको उसको ऑन द टॉप ऑफ इट यू हैव टू बिल्ड समथिंग, राइट? कि आपको नई मतलब कुछ चीज़ें आपको इंप्लीमेंट करनी है, आपको CI/CD चाहिए, राइट? कि आप बार बार इंस्टेंस पे जाके यू कैंट पुल अ गिटहब कोड और उसके बाद में यू कैन डिप्लॉय इट, राइट? तो वो सब इज़ नॉट एन आइडियल केस। तो उसके लिए आपको बहुत चीज़ें करनी, CI/CD बना के दी, फिर उसके बाद में आपने ELK स्टैक, लेट्स से कि लॉगिंग के लिए आपने कुछ ELK बना के दिया, या Prometheus Grafana फॉर योर मॉनिटरिंग एंड विजुअलाइजेशन, राइट? अलर्टिंग भी आपको चाहिए कि कुछ फट गया किसी टाइम पे, तो यू नीड टू नो एट दैट पॉइंट इन टाइम वेदर इट्स थ्रू पेजर ड्यूटी स्लैक कुछ भी आप, तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो ब्रीफली इट्स दैट। गॉट इट गॉट इट। SRE और DevOps में कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता है फिर सेम चीज़ के दो अलग अलग टर्म्स हैं? मेरे को लगता है कि DevOps इज काइंड ऑफ एन अम्ब्रेला, तो मतलब उसके नीचे आपके ऑपरेशंस भी आ जाते हैं, आपके टेक ऑप्स भी आ जाता है, राइट? ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। एंड SRE मतलब अभी काफ़ी बूम पे अभी आया कुछ सालों से, मतलब था काफ़ी टाइम से, बट गूगल का ऑब्वियसली गूगल का आइडिया था ये, बट मतलब इट्स मोर ऑफ अ रिलायबिलिटी पार्ट ऑफ थिंग्स, कि मतलब रिलायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कि आपका 24/7 सिस्टम अप रहना चाहिए, राइट? आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आई इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आई तो यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग इन टू इट एंड सेंडिंग द प्रॉपर अलर्ट्स टू द रिस्पेक्टिव टीम्स। बट DevOps इज मोर ऑफ कि मतलब जब आप नई चीज़ बिल्ड कर रहे हो
SRE इज मोर ऑफ आपने एक बार बिल्ड कर दिया उसके बाद में मेंटेनेंस भी करनी है उसकी, उसके बाद में उसको सबको बताना भी है आपके मेट्रिक्स क्या है जो भी है, बट आपको जो बेयर मिनिमम देना है उसमें डेवऑप्स का आई थिंक सर्टेनली हेल्प लगता है। आई माइट बी रॉन्ग है, मतलब अभी आई जस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, मतलब अभी इतना कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ है, बट मतलब ये मेरे को लगता है दैट्स द केस। गॉट इट ठीक है। तो अब ये बताओ कि लाइक अगर किसी को डेवऑप्स में जाना है तो कौन सी टेक्नोलॉजीज पढ़नी होती है, एक छोटा सा रोड मैप कि ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है, तो यू कैन लाइक अप्लाई फॉर डेवऑप्स रोल या फिर एसआरई रोल्स। राइट, तो मतलब डेवऑप्स को आप ये समझो कि इंफ्रा एज अ होल, मतलब इंफ्रा में कुछ भी आ रहा है वो आपको चाहिए, और मैं ये नहीं बोला कि कोडिंग नहीं करनी है भाई, कोडिंग भी चाहिए। आई थिंक अभी यू रियलाइज दैट आफ्टर सम टाइम कि भाई कोडिंग बहुत जरूरी है, मतलब अभी आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग तो वो पेस नहीं आ पा रहा, बट आप कॉलेज में इतना खुला टाइम होता है अपने पास, राइट, तो कुछ भी कर सकता है उस टाइम पे बंदा, तो मतलब वो छोड़ना नहीं अपने को। मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि आप ट्राइज पे और वो रिकर्जन मतलब अलग ही फार लेवल पे चले गए हो अगर आपको डेवऑप्स में जाना है, मतलब इतना जरूरत नहीं होता, बट अगर है तो आई थिंक दिस इज वेल एंड गुड। उसके अलावा आई थिंक रोड मैप की बात करें तो ऑब्वियसली इंफ्रा में फर्स्ट चीज़ आती है आपकी क्लाउड, तो मतलब AWS मेजर क्लाउड प्रोवाइडर है, बट एज योर GCP आप जो भी है विच एवर यू आर कंफर्टेबल, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आर ऑलमोस्ट सेम, मतलब सब में नाम ही डिफरेंट होते हैं, बट स्टोरेज का जैसे वो आप S3 है तो वो कुछ ब्लॉब स्टोरेज हो जाएगा या फिर कंप्यूट इंजन हो जाएगा EC2 का, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, बट कॉन्सेप्ट्स आर सेम। तो एक अगर आपको क्लाउड अच्छे से आ गया तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि 6-7 दिन में यू कैन लर्न अ न्यू क्लाउड टेक्नोलॉजी, द नेम्स आर डिफरेंट, बस वो कन्फ्यूजिंग होगा आपको, तो स्टार्ट विद द क्लाउड। उसके बाद में यू नो कि आपको क्लाउड आ गया, आपका इंफ्रा होस्ट हो गया, बट आपको इंफ्रा होस्ट करने के उसमें इंफ्रा में कुछ कोड भी तो चाहिए, आपको कुछ भेजना भी है, कुछ पाइपलाइन भी बनानी है, राइट, तो CI/CD लाइक यू कैन वर्क ऑन जैसे जेंकिंस हो गया या फिर AWS की अपनी आती है AWS कोड पाइपलाइन, वो कर सकते हो। डेवऑप्स आती है, एज़्योर का डेवऑप्स भी आता है, वो भी यूज कर सकते हो आप, राइट, तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग यू कैन वर्क ऑन CI/CD। फिर अगर CI/CD हो गया, ठीक है, आपका एक बेयर मिनिमम सेटअप हो गया कि किसी ने कुछ कमिट पुश करा है तो वो आपका ट्रिगर होकर पाइपलाइन प्रोडक्शन में या QA डेव में जिसमें मल्टी एनवी में आपका चला गया, राइट, उसके बाद में ठीक है कि एक बट लेट्स से कि आपने तो बना तो दिया बट आपको हायर मैनेजमेंट को मेट्रिक्स भी देने हैं, राइट, कि कैसा चल रहा है सिस्टम, रिस्पांस टाइम कैसा है ये सब, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली यू हैव टू बी मतलब प्रोमिथियस ग्राफाना है अपना एक टूल, क्लाउड वॉच है, मतलब बहुत सारे टूल्स हैं, मतलब टूल्स गिनाने बैठ जाए तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, बट मतलब ऐसे आपको एक विजुलाइजेशन चाहिए, फिर आपको लॉगिंग भी चाहिए, उसके बाद में मतलब मैं एक चीज़ कहूँगा कि अभी कंटेनराइजेशन इतना बूम पे है ना कि अगर आपको EKS या कुछ भी EKS आई मीन इलास्टिक क्यूबरनेटीज सर्विस AWS का है, बट क्यूबरनेटीज एज अ होल अगर आपको आता है यू हैव एन एक्स्ट्रा एज, कि मतलब हर कोई पूछता है क्यूबरनेटीज आता है या नहीं, अगर आपको आता है तो मतलब उस पर क्वेश्चन पूछते हैं और बाकी सब छोड़ देते हैं, मतलब दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि वो इतना डेप्थ में जाता है क्योंकि सबको कंटेनराइजेशन चाहिए, स्केलिंग भी सही से हो रहा है और आपका मतलब सब कुछ सही से हो रहा है, तो आपको मतलब अगर EKS या कोई भी मैनेज, क्योंकि EKS मैनेज है तो ईजी होता है थोड़ा सीखने के लिए, बट क्यूबरनेटीज के कंसेप्ट तो फिर भी आने चाहिए आपको, राइट, तो अगर क्यूबरनेटीज आता तो वेल एंड गुड, और मतलब यही है बाकी टूल्स, मतलब आजकल तो सब कुछ पता ही है लोगों को, मतलब काफ़ी तेज़ आ रहे हैं भाई लोग, अपने को तो ज़्यादा नहीं था तो बट सबको पता है अपना, तो आई थिंक यही है ऑलमोस्ट। गॉट इट। आशीष, अब एक क्वेश्चन है कि आप जो 3.5 से अब 40 प्लस पर पहुंचे हो तो वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था आपका, आपने क्या क्या चीज़ें अब इंटरव्यूज में क्या क्या पूछते हैं, जब आपने फ्रेशर एज अ फ्रेशर इंटरव्यूज दिए थे वर्सेज अब आपने आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इंटरव्यूज देकर जो कंपनीज क्रैक करी हैं, तो क्या डिफरेंस आया, फिर क्या चीज़ें पूछते हैं? डिफरेंस तो मेरे को लगता है डिफिकल्टी लेवल में ही आया, काफ़ी बढ़ गया डिफिकल्टी लेवल, बट उस टाइम पे मतलब जो आप थोड़ा बहुत लिखते थे, क्योंकि रिज्यूमे भी उस टाइम पे 4-5 लाइन या एक प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट हो गए उसके अलावा बस उसी में क्वेश्चन आते थे, राइट, बट अभी आई थिंक क्योंकि ये इतना फास्ट पेस हो चुका है, आई थिंक यू एग्री टू द पॉइंट कि काफ़ी फास्ट पेस टूल्स जा रहे हैं मतलब, तो यू हैव टू बी वेरी मतलब एप्ट विद व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, राइट, तो आपको काफ़ी अवेयर रहना पड़ता है इस चीज़ को लेके, तो मेरे को लगता है कि अवेयरनेस अगर जब तक है किसी स्टूडेंट में या कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल में, दे कैन डू प्रीटी वेल, क्योंकि यूजुअली पीपल लैग बिहाइंड कि उनको पता नहीं है कि क्या चल रहा है, मतलब वो थोड़े लेगेसी सिस्टम्स में ही इन्वॉल्व रहते हैं, राइट, तो उस वजह से थोड़ा वो उनको कॉप अप करने में मुश्किल होती है, बट उसके अलावा आई थिंक अगर आपके पास अवेयरनेस है, आपको टूल्स भी पता है, आपको टेक्नोलॉजी भी पता है एंड बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है, राइट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, इनिशियली प्रॉब्लम्स आई थी नर्वसनेस की वजह से ऑब्वियसली, कि जब आप जॉब अटेंड करते हो तो थोड़ा होता है नर्वसनेस, मेरे को लगता है सबको होता है, बट मेरे को काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब इवन दो थोड़ा बहुत आता भी था, टेक्निकल राउंड निकल भी गए थे, 3 राउंड तो एक्चुअली मैंने HR या HRM जो लास्ट राउंड होते हैं उसी में मैं सब कर दिया, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था प्रोजेक्ट्स कैसे कर रहे हैं या बीच में फंबल हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो वो आई हैव रियलाइज कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लास्ट में छोड़ देते हैं कि अब तो हो ही जाएगा, अब तो चला है, बट उस टाइम पे मतलब काफ़ी प्रॉब्लम आई और फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, मतलब 2-4-5 दिन का, मैंने रियलाइज़ किया कि क्या क्या लिख रहा हूँ, आई रोट इट ऑन डायरी कि क्या क्या प्रॉब्लम आई है और मेरी किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो
उसमें, और उसके अलावा फिर उसके बाद में आई थिंक लास्ट 5 कंपनीज में जिसमें अप्लाई किया था वो पांचों की पांचों निकल गई थी, बिकॉज कुछ चीज़ें मतलब जो मैंने ऑब्जर्व करी वो ट्राई करा इंप्लीमेंट करने का और हो गया. और इस बार ये भी था कि बीइंग फ्रॉम अ टीयर 3 लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि कॉल्स नहीं आती है राइट इंटरव्यू की ये सब, बट इस टाइम आई थिंक 80-85% रेट था मेरा कॉल आने का. एंड दे वॉन्टेड कि दे वॉन्ट टू स्टार्ट अ प्रोसेस विच इज़ अ बिग थिंग. मतलब कुछ और कुछ मेरे को पॉजिटिविटी लगे ना लगे, मतलब ये तो था कि मतलब काफ़ी सही सी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आप देखते हो, मतलब इतना फैट पैकेज वाली वो सब कॉल्स आ रही थी कि हाँ भाई यू कैन स्टार्ट अ प्रोसेस ऐसे वाला. तो बट ठीक है, मतलब एक पॉइंट के बाद था कि और भी कर सकता था, बट मतलब आपको होता है एक मार्क होता है आपके पास कि इन टर्म्स ऑफ पैकेज और इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग या कंपनी कैसी प्रोडक्ट कैसे चाहिए आपको, तो वो सब अगर आपको मिल जाए तो देन मतलब कुछ कुछ लास्ट राउंड में भी करनी पड़ी रिजेक्ट, बट काफ़ी सही थी. मतलब दुख तो होता है मतलब, बट आपको करना पड़ेगा, किस एक पॉइंट पे आके हॉल्ट करना पड़ता है. गॉट इट. अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, कुछ सजेशंस हो जो लाइक अभी कॉलेज में 3rd-4th year में स्टूडेंट्स हैं या फिर जिन्होंने अब अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, जिनको SRE DevOps वाले रोल्स की तरफ जाना है उनके लिए? हम मेरे को ये लगता है कि मतलब लोगों को लग रहा है कि ये सपोर्ट रोल है या कुछ ऐसा रोल है DevOps या SRE का, बट ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. इट्स मोर यू आर अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट टीम एज वेल, ऑपरेशन टीम एज वेल. ठीक है, तो आप हर एक के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो. और मेरे को ये लगता है कि DevOps से ज़्यादा कोई कुछ सीख भी नहीं सकता. एक तो आपको ऑब्वियसली एडमिन का एक्सेस होता है, तो वो तो अलग ही फील आती है आपको एडमिन का एक्सेस होने की, बट एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी, अगर कोई खुद चाह रहा है कि मेरे को मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना और मेरे को हर चीज़ एक्सप्लोर करनी है, क्योंकि आपके पास एक इंफ्रा का एक्सेस है. इंफ्रा का एक्सेस मतलब आपका सब कुछ है, आपको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से फ्लो, रिक्वेस्ट फ्लो आपका कैसे हो रहा है, आपकी कौन सी चीज़ हिट हो रही है, कहाँ पे आप अपने इंप्रूवमेंट कर सकते हो, राइट. आपको एक वाइडर विजन है आपके पास काफ़ी, राइट. तो वो सब मेरे को लगता है कि काफ़ी सही है, और अभी इस टाइम पे काफ़ी काफ़ी हॉट टॉपिक है मेरे को लगता है. इतनी आप लिंक्डइन पे देख लो, एंजल वन जिस पे भी देख लो, जॉब प्लेटफॉर्म पे DevOps SRE काफ़ी ओपनिंग्स हैं. और मेरे को लगता है इट्स मोर ऑफ अ रोल, मैं हमेशा कहता हूँ कि इट्स मोर ऑफ अ बिल्ड एंड इनेबल काइंड ऑफ अ रोल. आप बिल्ड भी करते हो, आप इनेबल भी करते हो लोगों को कि भाई ये टूल ऐसे यूज़ करना, और वो फिर करते रहता है यूज़ जब तक आपको करना है, राइट. काफ़ी इंटरनल टूल्स भी बनाए हैं बैठ के यहाँ पे, काफ़ी मज़ा आता है काम करने का, क्योंकि आपको पता है कि आप किस चीज़ में प्रॉब्लम है और किस चीज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हो, राइट. तो मेरे को लगता है कि जस्ट स्टार्ट, मतलब ये मत सोचो कि कैसे हुआ या क्या होगा, पहले मैं सारे मटेरियल इकट्ठा कर लेता हूँ ये सब. जब एक बार स्टार्ट करने लगे, लेट्स से यू स्टार्ट विद AWS या GCP, जो भी आपने क्लाउड से स्टार्ट करा है, तो इवेंचुअली मतलब डोर्स स्टार्ट ओपनिंग अप, तो आपको पता चल जाएगा कि, और बी अवेयर विद द मार्केट. मैं तो ये कहूँगा कि मतलब रहो, और भाई DevOps इंफ्रा तो ठीक है, बट प्लीज़ कोडिंग मत छोड़ना, बाद में दिक्कत आएगी काफ़ी. फिर आपको इंटरव्यू से पहले 2 महीने लगाने पड़ेंगे कोडिंग के लिए और प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इसीलिए वो थोड़ा चालू रखो, साथ में 1-2 क्वेश्चंस रोज के जो भी लीड कोड कर रहे हो या कुछ भी वो सब रखो बस. बाकी तो इतना है अभी, बाकी कुछ मैं गलत बोल दिया था, सॉरी भाई. अभी मैं भी एक्सप्लोरी कर रहा हूँ, तो अभी ऐसा कुछ है नहीं है, कुछ मास्टरी या कुछ एक्सपर्टीज नहीं है, तो बस यही है. ग्रेट यार, थैंक यू सो मच आशीष, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दिया है. और कुछ अगर गलत हो तो तुम कमेंट्स में बता देना, दूसरे लोगों की हेल्प हो जाएगी. हो सकता है कि कुछ गलत बोल दिया हो, ठीक है, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं कि उनको इतना ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है, बट ही हैज़ बीन एक्सप्लोरिंग थिंग्स, तो उनको जितना आइडिया उतना उन्होंने शेयर कर दिया हमारे साथ. थैंक यू सो मच आशीष फॉर टेकिंग आउट टाइम, काफ़ी मज़ा आपके साथ बात करके. थैंक यू निशा भाई, थैंक यू. ठीक है, तो इतना ही आज वाले वीडियो में. अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.